नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी को लेकर विज्ञापन तो पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आज से फॉर्म भरने की जो इजाज़त है वो दे दी गई है। आज 30 सितंबर है, आज से आप जो है अपना फॉर्म 67वीं बीपीएससी के लिए भर सकते हैं और 5 नवम्बर तक के लिए तारीख रखी गई है। इस बार पदों की संख्या कितनी होगी और कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, हम आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 67वीं बीपीएससी के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इस बार 575 पदों के लिए दिसंबर में पीटी की परीक्षा होगी। संभावित तिथि जो है वो 11-12 तारीख की बताई जा रही है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। पीटी की परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 12 दिसंबर को होने वाली संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 2 घंटे की परीक्षा में कुल 150 अंक के सवाल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कुल रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। मुख्य परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। इसमें 100 अंकों का हिंदी और 300 अंकों के सामान्य अध्ययन के पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा हर अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों में से एक विकल्प विषय के तौर पर चयन करना होगा, जो 300 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी। आयोग की अधिसूचना के मुताबिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110, बिहार प्रशासनिक सेवा के 88, सहायक योजना पदाधिकारी के 52, राजस्व अधिकारी के 36 और प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 52 पद हैं। इसके अलावा कई अन्य पदों के लिए भी बहाली फिलहाल हो रही है। तो आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 67वीं बीपीएससी को लेकर हो गई है। आप फॉर्म भरते वक्त कई चीज़ों का ख्याल रखें। आप अपने डिटेल्स को ज़रूर 2-3 बार चेक कर लें, तभी जाकर फाइनल सबमिट करें। और साथ ही साथ आप कैटेगरी का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस भी कैटेगरी के अनुसार आप फॉर्म भरते हैं उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आप कैटेगरी नहीं चुनते हैं तो उसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जिस भी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी साथ में रखना बेहद ज़रूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार की बीपीएससी में कितने अभ्यर्थी फॉर्म डालते हैं, कितने लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, और अंत में जब पीटी का रिजल्ट निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात होगी कि कितने अभ्यर्थी इस बार पीटी की परीक्षा पास कर पाते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।